का सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके टॉप 10 ड्रीम एनिल्यूज के बारे में, जानेंगे उनके प्रोस और उनके कॉन्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनएलएस बैंगलोर से। एनएलएस बैंगलोर की सिटी ऑफ कोर्स एक मेट्रो सिटी है और काफी अच्छा एलुमनाई बेस है, क्योंकि ये कॉलेज काफी पुराना एस्टैब्लिश्ड है। इसकी फीस समवेयर अराउंड 3 लाख है, थोड़ी हायर एंड पे है, और इसका सबसे बड़ा कौन सिर्फ इतना है कि इसमें ट्रिमेस्टर सिस्टम है, तो आपको ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। सेकेंड नंबर पे आता है एनएलयू दिल्ली। दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसकी प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यस, प्लेसमेंट्स आर प्रीटी डिसेंट। जितने भी टॉप 10 एनएलयूज होंगे, आपको प्लेसमेंट कमेटी उतनी ही अच्छी स्ट्रांग मिलेगी। इसकी फीस के बारे में बात करूं तो 2.4 लाख इज द फीस। एज सच इसका कोई कौन नहीं है, लेकिन यस, अभी हॉस्टल अकोमोडेशन थोड़ा कम चल रहा है, क्योंकि हॉस्टल बन रहा है। जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा टू गेट इनटू हॉस्टल्स, बाकी सारे बच्चों उसको प्रायोरिटी मिलेगी। और एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है एनएलयू दिल्ली का, कि आपको यहाँ पे अटेंडेंस के लिए भी मार्क्स मिलते हैं, तो अगर आपकी अटेंडेंस समवेयर अराउंड 90% से ऊपर है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है नालसर हैदराबाद। अब हैदराबाद है अगेन अ मेट्रो सिटी। इसकी फीस समवेयर अराउंड 2.07 लाख है, और प्लेसमेंट अगेन प्लेसमेंट कमिटीज आपको बेटर ही मिलेंगे इन टॉप टायर 1 कॉलेजेस। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके करिकुलम की, तो काफी अच्छा करिकुलम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, बस इसका एक कॉन यह है कि 50 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द सिटी। फोर्थ नंबर पे आता है WBNUJS। कोलकाता जैसी सिटी में है यार, तो मिष्टी दोई तो खाना बनता ही है, और इसकी फीस है 2 लाख अप्रोक्सीमेटली। प्लेसमेंट अगेन इससे काफी अच्छे प्लेसमेंट जाते हैं, एलुमनाई बेस भी इसका काफी अच्छा है, लेकिन ये कैंपस है सिटी में, तो थोड़ा सा छोटा कैंपस है, तो इसके पास हमारे पास सिर्फ एक बिल्डिंग है जो गोल गोल है, और वही हमारा पूरा कैंपस हो जाता है, तो आपको कैंपस लाइफ इतनी ज्यादा जीने को नहीं मिलेगी, बट एलुमनाई बेस और बाकी सारी चीजें आर प्रीटी डिसेंट। फिफ्थ नंबर पे आता है एनएलयू भोपाल। अगर मैं इसकी फीस के बारे में बात करूं तो यस, 2.5 इज समवेयर अराउंड इज फीस, और इसके प्लेसमेंट कमेटी काफी अच्छा काम कर रही है। रिसेंटली इसने काफी अच्छे प्लेसमेंट्स निकाले हैं और काफी सारे पीपीओज भी निकाले हैं। एलुमनाई बेस काफी अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली ही एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कनु अग्रवाल, वो एनएलयू के एलुमनाई ही है। इसकी कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये काफी अच्छा काम करने वाला है, और यस, ये हमको नए नए कोर्सेज भी लाके दे रहा है, BSc LLB। रिसेंटली इसने अपना नया कोर्स लॉन्च किया है जो कि साइबर लॉ में है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी फीस समवेयर अराउंड 2.5 लाख है। इसके साथ सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसका 55 एकर्स का कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, और हमको यहाँ पे सिंगल रूम्स भी दिए जाते हैं, जहाँ पे हमको AC लगाने का भी बेनिफिट दिया जाता है, और इसका एलुमनाई बेस इज प्रीटी डिसेंट, प्लेसमेंट्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, और एडिशनल बेनिफिट इसमें ये भी है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो एनएलयू जोधपुर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। 7 नंबर पे आता है GNLU गांधीनगर। गांधीनगर काफ़ी अच्छी सिटी है, और इसकी फीस है समवेयर अराउंड 2.5 लाख। इसका कैंपस काफ़ी बड़ा है, आपको कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, प्लेसमेंट्स अगेन इसके काफ़ी अच्छे होंगे, एलुमनाई बेस भी इसका काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे अगर आप फूडी हो तो आपको काफ़ी अच्छा फूड मेस में ही मिल जाएगा, आपको कहीं बाहर जाके पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 नंबर पे आता है RMNLU लखनऊ। लखनऊ की फीस सबसे कम है, चीपेस्ट कॉलेज आप इसको बोल सकते हो। इसकी प्लेसमेंट्स कमेटी बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करती है, यहाँ पे आपको एज अ जुडिशरी एस्पायरेंट ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर इसकी कैंपस के बारे में बात करूँ, कैंपस इज रियली ग्रेट, आपको कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी मिलती है। 9 नंबर पे आता है HNLU रायपुर। रायपुर की फीस इज समवेयर अराउंड 2 लाख। प्लेसमेंट कमेटी इसकी डिसेंट काम कर रही है, एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट दे आर बिल्डिंग ऑन इट, कैंपस लाइफ भी डिसेंट है। 10 नंबर पे आता है NLU कटक। इसकी फीस समवेयर अराउंड 2.5 लाख है, और इसका प्लेसमेंट कमेटी इज वर्किंग रियली फाइन, लेकिन जुडिशरी एस्पायरेंट्स को यहाँ पे काफी सपोर्ट मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट आर टॉप 10 NLUs, और अगर आप इसके बाद भी और कॉलेजेस के बारे में प्रोज एंड कॉन्स जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो, और उसके ऊपर विल कम अप विद अ वीडियो। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो अभी भी डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए और कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।